तो गाइस सवेरे सवेरे देखो माँ बेटी की लड़ाई हो चुकी है और ये स्कूल जाने की तैयारी हो रही है और टाइम दिखे गाइस 7 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में बस भी आ जाएगी। एक बस निकल चुकी है, सेकंड बस दूसरे आगे वाले स्टैंड से मिलती है, वहाँ पहुँचने और दोनों लड़ाई कर रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त नेचर पाली भाई। नेचर से शुरू करते हैं आज का अपना नया ब्लॉग और ब्लॉग की शुरुआत में माँ बेटी की सवेरे सवेरे उठते साथ हो चुकी है लड़ाई, क्योंकि सवेरे जाना था स्कूल और स्कूल जाने में एज यूजल यशवी शर्मा थोड़ा सा ढीले कर रही है, तो उसकी मम्मी और उसकी लड़ाई होने लगी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। तो गाइस अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं निकल रहा हूँ यशवी को छोड़ने के लिए बाहर उसके सेकंड वाले स्टॉप में। फर्स्ट स्टॉप जो उसके घर के नीचे उसकी बस आती है, वहाँ उसने ड्रॉप कर दी है। अब मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा उसको लेके और वहाँ जाके इसकी बस मिलेगी हमें। तो फिलहाल तो अभी ये तैयारी चल, भरत मिलाप हो रहा है गए सवेरे सवेरे हैं ये देखो। सो गाइस ये चलता रहेगा, चल इसको छोड़ते हैं, पहला टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए यशवी शर्मा अपना ब्रेकफास्ट भी अपने हाथ में लेके घूम रही है, उसका बैग यहाँ पे और ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रही है। और अभी कोई बच्चा आया नहीं, थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं हम लोग, जल्दी पहुँच गए थोड़ा सा, और बस हम सोचते थे लेट हो गए पर हम लोग लेट नहीं हैं, बच्चे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और बस अभी आई भी नहीं है। यशवी शर्मा हम काम का टेंशन ले हैं, कर लिया ब्रेकफास्ट, हो गया इससे हो जाएगा तुम्हारा है। देखो भाई दूसरे बच्चे भी आ गए और यशवी शर्मा यहाँ पे है। हेलो, सो हे गाइस, फाइनली पूजा संपन्न हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि चले गए हैं, तो आज है नवरात्रों का फोर्थ दिन, तो फोर्थ दिन है तो आज हमारी पूजा सवेरे मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो संपन्न हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस जस्ट थोड़ी देर पहले पूजा करी है, यहाँ मैया रानी है और यहाँ हमारे भगवान जी हैं और यहाँ पूजा संपन्न हो चुकी है। सो गाइस जस्ट पूजा भी संपन्न हो चुकी है, तो अभी की प्लानिंग ये है कि यशस्वी स्कूल जा चुकी है जैसे कि आपने देखा ही होगा थोड़ी देर पहले, और नीतू अभी फ़िलहाल तुलसी जी की पूजा कर रही है और उसके बाद नीतू ऑफिस निकलेगी और आज मैं जाऊँगा महिपालपुर अपने एक भैया हैं कज़न उनके यहाँ जाऊँगा। सो गाइस फाइनली नीतू तैयार हो चुकी है ऑफिस के लिए और प्रिपरेशन चालू है मंदिर के लिए भी। मंदिर के लिए भी देखिए हमने ये काम कर दिया और मंदिर के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर लिए सारी, अब निकल रहे हैं मंदिर और मंदिर के साथ साथ नीतू के लिए बन रही है ऑफिस के लिए चाय, के लिए चाय बना देता हूँ और चाय थोड़ी सी मैंने जल्दीबाजी बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है, अब जैसी भी है इसको सर्व कर देते हैं क्योंकि नीतू फिर चल रही है फास्ट, तो ये सिर्फ सवेरे सवेरे चाय पीती है, थोड़े बहुत मखाने खा लेती है, वो भी ऑफिस जाके करती है, उससे पहले कुछ नहीं करती है क्योंकि सवेरे थोड़ा सा हमारे मिसमैच हो जाना, जल्दी जल्दी सब चीज़ें होती हैं, यशवी को स्कूल भेजना, नीतू को ऑफिस जाना, तो सब चीज़ें हो रही होती है, साथ के साथ सब चीज़ें होती है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर। सो हे गाइस, टाइम हो चुका है 2:20 और यशस्वी का आने का टाइम भी हो चुका है, पर उसके साथ साथ गाइस घर में एक और कांड हो चुका है। कांड क्या हुआ कि मैं यशस्वी के लिए बना रहा था लंच, क्योंकि आज जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि नीतू के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो आज वो निकल गई ऑफिस के लिए और फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, फिर मुझे खाना बनाना था क्योंकि मैं आज जाना है मुझे, पर अब मैं लंच के बाद जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने भैया के पास जा रहा हूँ, पर वहाँ मेरा प्लान कैंसिल हुआ कि भैया के पास थोड़ा कुछ काम था, तो अभी फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे, अभी कहीं और काम से जा रहा हूँ जो मैं यशस्वी के लंच के बाद जाऊँगा। तो फिलहाल मैं लंच ही बना रहा था, लंच बनाते बनाते हो गया कांड। कांड क्या हुआ दिखाऊँ आपको, ये देखिए गाइस इतनी बड़ी उंगली मेरी कट गई और साथ साथ में खून ही खून हो गया पूरे घर में, ये देखिए गाइस पूरा खून ही खून हो गया, इतना ज़्यादा ब्लड निकला और ये एक्चुअली डीप कट गया, बहुत डीप कट गया, और इस डीप के कटने के चक्कर में क्या हुआ पता दोस्तों, पूरे घर के अंदर खून ही खून हो गया था। ये देखिए यहाँ पे भी खून, काफ़ी सारा खून मैंने साफ कर दिया, पर उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा हाथ कट गया कि फिर मुझे फाइनली मम्मी को बुलाना पड़ा। मम्मी को आई, मम्मी को बोला अब यशस्वी का आने का टाइम हो रहा, तो अब आप ही करोगे क्या कहते हैं काम, मैंने आज तक काम कर लिया था, खाली कुकर में ये अपना रखना था, पर क्या करता मैं कुकर में तो रख दिया, पर मैंने रखा, फिर दादी आई, दादी को स्पेशली फ़ोन किया मैं, दादी नीचे थी आवाज़ लगाई, दादी ऊपर आई और दादी ने फिर काम किया। अभी का तो हालत ये होगी, आप देख सकते हैं कितना खून निकला यार गाइस, ये देख रहे हैं इतना सारा पूरा भर गया था। फिर मेरे पास एंटीबायोटिक के नाम पे कुछ घर में था नहीं, तो फिर मेरे पास घर में एक अल्कोहल की बोतल पड़ी थी, तो मैंने उससे पूरा डिप डिप कर करके बड़ी मुश्किल से खून रुका। देखिए गाइस कितना डिप कटा था, देख सकते हैं आप, और जो पीछे से आवाज़ आ रही है, मैंने अपने कपड़े भी रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि
आपको जैसे ये बताया था शायद एक दो दिन के बाद मैं कहीं निकल रहा हूँ, मैं और नीतू निकल रहे हैं। अब वो नीतू निकलने का प्लान जो है शायद भी लग रहा है धीरे धीरे शायद कैंसिल होता जा रहा है, पर होगा जो भी होगा वो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा आप लोगों को। थोड़ा बने रहिएगा ब्लॉग में, मज़ा आएगा खूब, क्योंकि जो प्लान किया है ना वो अच्छा है। और बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि जाएंगे 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 पर वो जा नहीं पा रहे थे, पर फिलहाल एकदम से कुछ प्लान बनाए। भगवान ने चाहा तो 100% हम जाएंगे। अगर जिस लोगों को पता लग गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों ने सही गेस कर लिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीतू में जा रहे हैं, तो बस भोले बाबा का आशीर्वाद रहा तो 100% हम वहाँ जा रहे हैं। तो अब जैसा रहेगा जो भी रहेगा आप साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो यशस्वी के आने का वेट कर रहा हूँ, और यशस्वी आती है उसको लंच बना दिया। यशस्वी की फेवरेट खिचड़ी मैंने बनाई है जो उसको हमेशा पसंद आती है, तो जैसे ही यशस्वी आती है आपको मिलवाता हूँ उससे। और फिलहाल तो कांड हो चुका है, हाथ कट गया, कुछ नहीं हुआ है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहेगा ब्लॉग में। सो गाइस फाइनली यशस्वी शर्मा पहुंच गई है, बैग उसका यहाँ पे है और वो कहाँ है आपको मिलवाता हूँ। वो पहुंच गई दादी के रूम में, दादी के रूम में भाग गई। अब देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे है वो लड़की। आते ही साथ दादी के पास पहुँच गई। तू दादी के पास क्यों पहुँच जाती है भैया है? दादी मुझे अच्छी लगती है, दादी मेरी प्यारी है। ये देखो गाइस, ये देखो आते ही साथ दादी पोती का शुरू हो चुका है। तो गाइस आपने दादी पोती की रील देखी होंगी ना, अगर आपने रील देखी है तो प्लीज़ मुझे बताना। जिन जिन लोगों ने नहीं रील देखे जाके रील देखो, दादी पोती की जो रील है ना बहुत ही अमेजिंग है। रील इन द सेंस हमने रील्स में भी उसको डाला हुआ है इंस्टाग्राम में और हमारे यूट्यूब में है शॉर्ट्स के अंदर, आप देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखो दादी पोती की जोड़ी, दादू यहाँ पे हैं, सो गए हैं आते ही साथ, थोड़ा सा ऑफिस से आए हैं अभी रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखो इन दोनों को आते ही साथ कुछ ना कुछ देखना है, करना है। क्या क्या करते रहते हो उन दोनों को? दोनों लास्ट टाइम गाइस आपने जो देखा ना साड़ी में यशस्वी को, वो दादी ने पहनाई थी, दादी ने अपनी साड़ी निकाल निकाल के इसको पहना दी। और ये देखिए ये है वो लड़की। आज हम लोग कहीं जाने वाले, सुन लो मम्मी मेरी बात सुन लो, पहले सुन लो आज हम क्या करने वाले पता है? आज नीतू क्या कहते हैं, अभी रास्ते से एक बहुत बड़ी माला लेके आ रही, दादू भी उठ चुके हैं तो हम बहुत बड़ी माला लेके आ रही है। हम लोग जाएंगे कात्यायनी मंदिर और माता रानी को फूलों की माला चढ़ाएंगे, ठीक है ना? सब लोग शाम के वक्त तैयार है ना, तो शाम के वक्त की प्लानिंग आज ही है, ठीक है? डन। सो गाइस आज हम लोग शाम को जाने वाले हैं कात्यायनी माता के मंदिर। जैसे कि हमने लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा होगा हम लोग गए थे, पर आज हम लोग सब जाने वाले हैं, मम्मी पापा और साथ में क्या कहते हैं यशु, मैं और नीतू, और साथ में हो सकता है कि पंकज और अन्नू भी साथ में चले क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम चलेंगे। अब देखने की बात है, इसको देखो ये गाइस ये क्या कर रही है पता नहीं। अब कौन कौन चलेगा कौन कौन नहीं चलेगा वो बाद में देखेंगे। और यहाँ दादी पोती आती साथ शॉर्ट्स, अब पता नहीं क्या देखने में लगे हुए, क्या देख रहे हो आप? ये देखो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। चलो अब जल्दी चलो। सो गाइस फाइनली लंच प्रिपेयर हो चुका है प्रॉपर ढंग से। ये देखिए खिचड़ी तैयार है, साथ में इसके लिए दही है, मेरे पास रायता है, साथ में अचार है, और ये है हमारी खिचड़ी। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पुराने लोग हैं ना उनको 100% पता होगा, बोलते हैं खिचड़ी के चार यार, दही मूली घी अचार। तो इस खिचड़ी के साथ अगर कुछ भी चीज़ मिल जाए तो मेरे पास दही भी है और अचार भी है, दो यार तो मेरे पास हैं। बाकी वरना खिचड़ी के साथ बोलते हैं खिचड़ी के चार यार, दही मूली घी अचार। तुझे पता था इशू ऐसे बोलते हैं है? दादी ने बताया था। दादी ने बताया था। तो गाँव में थे ना, जब हम गांव में थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था और मम्मी देती नहीं थी, हम ये बोलते थे। तो दादी ने तो बहुत कष्ट देखे हैं अपने टाइम पे, उन लोगों के पास खाने की बहुत दिक्कतें होती थी और बहुत परेशानी होती थी। आज तो माता रानी की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, स्कूटीज़ हैं, सब कुछ है, जो जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ है। दादी ने जो फेस किया उसके बाद जो हमने फेस किया, और आज यशस्वी के जो पास है उसके पास तो अथई, मतलब दादी और मेरे हिसाब से तो यशु के पास जो चीज़ें अवेलेबल है ना वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे हमने तो बहुत सारे सर्वाइव किए हैं, पर मम्मी डैडी ने और ज़्यादा सर्वाइव किया है। सो स्ट्रगल तो रहता ही है, एक पीढ़ी स्ट्रगल करती है और एक पीढ़ी मज़े लेती है। सो फिलहाल तो यशस्वी मज़े ले रही है और हम लोगों तो अभी भी काम कर रहे हैं, पर हाँ टच वुड हमारे मम्मी डैडी ने हमको इस लाइफ बनाया कि हम लोग आज एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों को, मतलब दिल्ली में जैसे शहर में हमारे पास अपना घर है, चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, लाइट, जो जो चीज़ चाहिए, जो डेली नीड्स के लिए चाहिए आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो है। उसके बाद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि और लाइफ में और अच्छा करें, इसके लिए सब लोग लगे हैं जद्दोजहद में, हम भी लगे हुए हैं, जैसे कि मुझे पता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी लगे होंगे। सो हर कोई अपनी लाइफ में लगा ही है जद्दोजहद में।
मेरे पास समय मिलता है तो थोड़ा सा व्लॉग कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग भी मुझे बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं और यही चीज़ें चलती जा रही हैं और मज़ा आ रहा है। फिलहाल तो लंच की तैयारी करते हैं क्योंकि लंच ठंडा हो जाएगा, लंच को ठंडा नहीं करते, अपना लंच कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो हे गाइस, टाइम हो चुका है, 5:10 हो गए और दोस्तों साथी साहब थोड़ी देर यशस्वी और मैं थोड़ा सा सो गए थे हमने थोड़ा सा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। यशस्वी जस्ट उठी रही है और अभी इसको तंग नहीं करते। सो गाइस, टाइम हो चुका है 5:45 और यशस्वी शर्मा यहाँ पे इसके आलस भरे इसको अभी भी थोड़ा थोड़ा आलस आ रहा है पर साथ में पढ़ाई भी कर रही है। और गाइस, मैंने अपने लिए बना दिया गर्मा गर्म कॉफ़ी जिससे मैं हो जाऊँ थोड़ा सा एनर्जेटिक, और क्योंकि अब होने वाली है प्रिपरेशन किस चीज़ की, थोड़ी देर में प्रिपरेशन शुरू होने वाली है पूजा की। और जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम शाम को कहाँ जाएंगे यस, हम जाएंगे कात्यायनी माता के मंदिर और आप लोगों को ले चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले नीतू से मेरी बात हुई है, नीतू माता जी के लिए एक बहुत बड़ी माला लेके आ रही है फूलों की, और मैं चाहता हूँ कि फूलों की माला हम कात्यायनी माता को भेंट करें और माता के दर्शन भी करें साथ साथ। तो फिलहाल ये है, यशस्वी शर्मा भी यहाँ पढ़ाई कर रही है, ये जाएगी 6:30 जाएगी अपने ट्यूशन जाके आएगी अप्रॉक्सीमेटली 7:30 to 8 तक वो आएगी, और उसके बाद तब तक हम लोग अपनी क्या कहते हैं प्रसाद भी ले लेंगे क्योंकि नीतू का फास्ट चल रहा है, तो नीतू को ऑब्वियसली बात है टाइमली उसको अपना व्रत को खोलना भी होता है। तो जा रही है ट्यूशन जा रही है बेटा, आराम से जाना ट्यूशन और अपनी जो कल की प्रिपरेशन है सारी मैम से पूछ के और लर्न भी करके आना, ठीक है, डन, ओके। सो गाइस, अभी इस वीडियो जा रही है, इसको भेजते हैं ट्यूशन और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 7:30 to 8। तो हे गाइस, जैसे कि आप पीछे से आवाज़ सुन रहे होंगे कि पूजा शुरू हो चुकी है और नीतू ऑफिस से आ चुकी है, सो आइए आपको पूजा की तरफ ले चलता हूँ और नीतू से मिलवाता हूँ कि नीतू पूजा कैसे कर रही है और शाम की पूजा हमारी शुरू हो चुकी है। सो गाइस, जैसे कि आप सुन रहे हैं पीछे से नीतू की आवाज़, नीतू अभी आरती कर रही है और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जाएंगे मंदिर और मंदिर जाने के लिए नीतू ने माला ले आई है माता रानी के लिए, कात्यायनी माता मंदिर जाएंगे तो उसके लिए गाइस माला आ चुकी है, ये देखिए कितनी सुंदर माला लेके आई है नीतू। और अब हम लोग जाएंगे, प्लानिंग पूरी पूरी है छतरपुर, और उस मंदिर से जाएंगे और मैया रानी को अपनी तरफ से तो जो माला है ये माता रानी को चढ़ाएंगे और भगवान करे ये जैसे लास्ट टाइम हमको दर्शन हो गए थे तो वैसे ही दर्शन हमको करने का मौका मिल जाए और इससे अच्छी कुछ चीज़ हो नहीं सकती है। जयकारा श्री वंदना बोल साचे दरबार की जय। तो मिलते हैं दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग में। सो गाइस, दोस्तों हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है, आप देखिए गाइस आरती यहाँ हमारी है और यहाँ नीतू और यशस्वी और मैंने, हम तीनों ने मिलकर पूजा संपन्न कर दी है। अब हमारी दर्शकों, अब हमारी जो आरती है वो आप भी हम आपको दे देते हैं, जय हो, ये लीजिए आरती लीजिए। बस ये हमारी आरती थी और हमने आप लोग सभी लोग जितने भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं उन सभी को हमने आरती दी है और माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का पूरे आपकी पूरी फैमिली पे आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी देर बने रहेगा ब्लॉग में, अब जाने वाले हैं थोड़ी देर में छतरपुर मंदिर जाने वाले हैं और माता कात्यायनी माता के घर जाएंगे। तो फिलहाल अभी नीतू पीछे से आप देख ही रहे होंगे नीतू को, अभी वो जा रही है तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तुलसी मैया भी हमारे अपने घर में रखी हुई है, उनकी भी हम पूजा करते हैं सवेरे शाम हर टाइम। अभी नीतू आगे गई है पूजा करेगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रसाद बनाएंगे। सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी नीतू बना रही है प्रसाद और अपना प्रसाद को वो ग्रहण करेगी। तो नीतू ने प्रसाद में बनाया है गाइस राइस, साथ में आलू की सब्जी और सीताफल की सब्जी और चपाती। सो गाइस, अभी फिलहाल सब लोग यहाँ बैठ के डिनर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं माता रानी के दरबार में, यानी माता रानी कात्यायनी माता जो हमारे पड़ोस में एक छतरपुर मंदिर है और वहाँ हम जाने वाले हैं मंदिर के दर्शन, माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि जो बेसिकली जो मेन माता का जो मंदिर है वो 6 महीने बाद ही खुलता है, साल में से 2 बार ही खुलता है, जब 2 बार जब नवरात्र होते तभी खुलता है वो मंदिर। तो कात्यायनी माता के दर्शन मैं भी करूँगा और आप सभी लोगों को करवाऊँगा। और माता रानी के लिए जैसे कि आपको थोड़ी पहले आपको देखा था आपने, हमने माता रानी के लिए माला भी लिया और वहाँ माता रानी को वो माला अर्पित करेंगे। सो जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं क्योंकि डिनर तो बेसिकली गाइस ये सेकेंडरी है, पहले प्रसाद है क्योंकि नीतू ने 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं और अब सिर्फ बारी है नीतू अपना जो व्रत है उसको संपन्न करेगी, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर की तरफ। मंदिर में बहुत लोग जाने वाले हैं, कौन कौन जाएगा फिलहाल तो कोई पता नहीं है पर मम्मी डैडी साथ में जाने वाले हैं, तो मिलते हैं।